गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश में नाउन्स पढ़ेंगे. सो पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अ नाउन? अ नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग. तो इसके अकॉर्डिंग जो नाउन है वो किसी इंसान, किसी जगह, किसी जानवर या किसी चीज़ के नाम को कहते हैं. जैसे आपका नाम हो सकता है, किसी का नाम राज हो, तो राज एक नाउन है. वैसे ही हम देखते हैं कि बहुत सारे नाउन्स क्या होते हैं. जैसे नाउन फॉर अ पर्सन, किसी भी इंसान के नाम को हमने कहा नाउन कहते हैं. तो मदर, बॉय, डॉक्टर, टीचर, ये सारे भी नाउन हैं. साथ ही में जैसे किसी का जो नाम हो गया, जो हम किसी को स्पेसिफिकली बुलाते हैं किसी नाम से, वो भी नाउन हो गए. जैसे रीटा, अमन, और भी बहुत सारे नाम हो सकते हैं. जैसे मेरा नाम है सोनाक्षी, तो वो मेरा नाम भी एक नाउन है. जो अगला है वो है नाउन फॉर प्लेसेस. सो प्लेसेस के नामों को भी नाउन कहते हैं. तो जैसे पार्क हो गया, स्कूल, होटल, मुंबई, जू, दिल्ली, ये सारी जगहों के नाम है, तो इसीलिए ये भी नाउन हुए. वैसे ही आते हैं नाउन फॉर एनिमल्स. तो डॉग, काउ, जिराफ, लॉयन, फिश, कैट, ये सारे ही नाउन्स हुए. वैसे ही अगर किसी का कोई पेट एनिमल है, किसी के कोई पालतू जानवर है घर में और हमने उसका कोई नाम रखा है, तो उसका वो नाम भी नाउन में ही आएगा. इसी तरीके से आता है नाउन फॉर थिंग्स, चीज़ों के नाम. स्पून, कार, चेयर, साइकिल, प्लेट, बॉल, जितने भी चीज़ें हैं उन सब के नामों को भी हम नाउन कहते हैं. सो नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ प्लेस, एनिमल, पीपल और थिंग. किसी भी जगह, जानवर, इंसान या चीज़ के नाम को आप नाउन कहते हैं. आई होप अब आप सबको नाउन की डेफिनेशन समझ आ गई है और क्या नाउन होता है समझ आ गया है. सो लेट्स डू सम एक्सरसाइज. हम कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं. पहली एक्सरसाइज है, कैन यू नेम द फॉलोइंग? क्या आप इन सब चीज़ों के नाम जानते हैं? जैसे कि ये क्या है? ये है एक काउ. तो हम यहाँ लिखेंगे COW, काउ. फिर ये क्या है? ये तो एक स्पून है, और स्पून के नाम को भी हम नाउन कहेंगे. तो हम यहाँ लिखेंगे स्पून. ये हो गया. अब ये क्या है? इट्स अ गर्ल. सो हमने लिख दिया गर्ल. और ये क्या है? ये है एक स्कूल की इमेज. तो ये हो गया स्कूल. वेरी गुड, आपको तो ये अच्छे से आ गया. अब हम चलते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ. पार्क इज अ नेम ऑफ. पार्क किस चीज का नाम है या जगह, कौन सा नाम है? एनिमल का नाम है या किसी जगह का नाम है? करेक्ट, पार्क एक जगह का नाम है. वेरी गुड, सी आप करेक्ट थे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्शा इज अ नेम ऑफ. रिक्शा क्या, किसका नाम है? किसी जगह का नाम है या किसी चीज का नाम है? वेरी गुड, रिक्शा इज अ नेम ऑफ अ थिंग. वो एक जगह का नाम है. यू आर करेक्ट. वाओ, मैच द फॉलोइंग्स विद देयर नेम्स. अब हमें इन सब चीज़ों को इनके नाम से ज्वाइन करना है. सो ये क्या है? करेक्ट, ये एक साइकिल है. और ये सेकेंड इमेज क्या है? करेक्ट, ये एक टीचर की इमेज है. सो हम इसे टीचर से ज्वाइन करते हैं. और ये थर्ड इमेज क्या है? करेक्ट, ये एक फिश है. एंड ये लास्ट इमेज क्या है? करेक्ट, ये एक हाउस है. सो आई होप अब आपको इन सब चीज़ों के बारे में सब समझ आ गया हो. आपको कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो. वेरी गुड, आपने बहुत अच्छे से अपना एक्सरसाइज कंप्लीट की. थैंक यू.